उल्लासनगर शहर में आज 30 मार्च के दिन कोरोना के नए 117 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,675 पहुँच चुकी है। वहीं आज 43 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 12,067 हो चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 378 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय शहर के 1230 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 208, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 169, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 50, होम आइसोलेशन में 515 व उल्लासनगर वनपा क्षेत्र के बाहर 288 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 117 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से 16 मामले शामिल हैं, जिसमें उषा अपार्टमेंट के पास परिसर से 1, पोस्ट ऑफिस के पास परिसर से 3, सेंचुरी कॉलोनी परिसर से 2, बाजी मार्केट के पास परिसर से 1, गोल मैदान परिसर से 1, कमला नेहरू नगर परिसर से 1, हेमराज डेयरी परिसर से 1, कुंदन कॉटेज परिसर से 1, महाराष्ट्र स्कूल के पास परिसर से 1, मनीष सोसाइटी परिसर से 1, तेजुमल चक्की के पास परिसर से 1, मित्तल नगर परिसर से 1 व 1 मामला शहाट फाटक परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से आज 11 मामले सामने आए हैं, जिसमें मायापुरी अपार्टमेंट के पास परिसर से 1, हीरा मैरिज हॉल के पास परिसर से 1, गोल मैदान के पास परिसर से 1, कैलाश कॉम्प्लेक्स के पास परिसर से 2, सिमरन पार्क परिसर से 1, सी ब्लॉक रोड परिसर से 1, सोनार गली परिसर से 1, नेहरू चौक परिसर से 1 व 2 मामले बेवस चौक के पास परिसर के बताए जा रहे हैं। वहीं कैंप नंबर 3 से आज 27 मामले सामने आए हैं, जिसमें बैरक नंबर 1065 परिसर से 1, स्टेशन रोड परिसर से 2, 23 सेक्शन परिसर से 1, वहीं शांति नगर परिसर से 3, फॉरलैंड परिसर से 1, न्यू शालीमार सोसाइटी परिसर से 1, मयूर हाइट्स परिसर से 1, 17 सेक्शन परिसर से 4, राधा स्वामी सत्संग हॉल के सामने परिसर से 1, पवाई चौक परिसर से 1, ओटी सेक्शन परिसर से 2, चोपड़ा कोर्ट परिसर से 2, कॉरपोरेशन के सामने परिसर से 1, सपना गार्डन परिसर से 2, कल्याण अंबरनाथ रोड परिसर से 1, मालकंजी बाड़ी के पास परिसर से 1, साईं बाबा मंदिर के पीछे परिसर से 1 व कैंप नंबर 3 का एक और मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 4 से आज 51 मामले सामने आए हैं, जिसमें स्टेशन रोड परिसर से 2, मराठा सेक्शन परिसर से 5, लालचक्की परिसर से 3, संभाजी चौक के पास परिसर से 3, 28 सेक्शन के पास परिसर से 1, सीताराम नगर परिसर से 3, 25 सेक्शन के पास परिसर से 4, कृष्णा हॉल के पास परिसर से 1, नाना बरचाल के पास परिसर से 1, कुर्ला कैंप के पास परिसर से 4, सरस्वती चौक के पास परिसर से 1, मिलन नगर परिसर से 3, सुभाष टेकरी के पास परिसर से 4, 26 सेक्शन के पास परिसर से 1, 30 सेक्शन परिसर से 3, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन परिसर से 1, नालंदा स्कूल के पास परिसर से 2, बैरक नंबर 1302 परिसर से 1, वसंत शाह बंगलो एरिया परिसर से 1, लक्ष्मी पैलेस परिसर से 1, काली माता मंदिर परिसर से 4, VTC के पास परिसर से 1, शिवनेरी हॉस्पिटल परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 5 से आज 12 मामले सामने आए हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर परिसर से 1, नेताजी चौक के पास परिसर से 3, बाटिया हॉस्पिटल के पास परिसर से 1, सयादरी नगर परिसर से 2, रविंद्र नगर परिसर से 1, गांधी रोड परिसर से 2, पटेल नगर परिसर से 1 व 1 मामला ओटी सेक्शन परिसर का बताया जा रहा है। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज़ आपको अपडेट देता रहेगा। ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।